हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास है एक अदद शीशा और एक अदद अनार। तो दोस्तों शीशे का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है यानी टेम्परेचर जो होता है वो होता है 1200 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, और दोस्तों अनार के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो 1200 डिग्री होता है। तो भाई शीशा तो उससे नहीं पिघलेगा, मगर दोस्तों अगर किसी चीज़ को एकदम से टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो यकीनन चटक जाती है या फिर वो टूट जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि कोई एक गिलास हो और वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो, उसमें गरम गरम कोई चीज़ डाल दी जाए तो वो चटक जाता है। और दोस्तों ऐसा भी होता है कि चीनी के जो कप या प्याले होते हैं हमारे पास, उसके अंदर भी अगर एकदम से गर्म चाय डाल दी जाए यानी कि ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में, और वो बहुत ज़्यादा ठंडे हों, तो दोस्तों वो एकदम से चटक जाते हैं। तो भाई शीशे का जो मेल्टिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर में उसको दूंगा और एकदम से दे दूंगा। अब वो कैसे दूंगा दोस्तों? शादी ब्याह वाले अनार का इस्तेमाल करते हुए। तो दोस्तों हम देखेंगे कि शीशा किस तरह से चटक जाता है, और हो सकता है दोस्तों वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से मेल्ट भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों इस प्रैक्टिकल को हम करके देख लेते हैं। अगर आप चैनल में नए तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक शीशा है और एक अदद अनार है। तो दोस्तों अनार नीचे होगा और शीशा इसके ऊपर होगा, इसको जला दिया जाएगा। एंड जरूर देखिएगा। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों अनार बुझ चुका है, शीशा टूट चुका है, ये आप करीब से देख सकते हैं। शीशे में मैंने होल कर दी थी ताकि अनार का प्रेशर हर तरफ से यकसा हो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये पिघल चुका है।